नमस्कार दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में सादगी के साथ गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। आज सूर्यास्त के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा गणपति की स्थापना की जाएगी। 22 अगस्त को प्रतिमा स्थापना के साथ शुरू होने वाला गणेशोत्सव अगले 10 दिनों तक चलेगा। चाहे बात महाराष्ट्र की करें या फिर दिल्ली की, हर तरफ गणेश चतुर्थी का उत्साह रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में आज आपको हम जो बात बताने जा रहे हैं वो शायद कुछ ही लोगों को पता है। दुनिया में मुस्लिम आबादी वाला एक ऐसा देश है जहां गणेश जी की तस्वीर नोट पर छपी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के इस 20,000 के नोट पर सामने वाले हिस्से में भगवान गणेश की तस्वीर है, जबकि पीछे वाले हिस्से में क्लासरूम की फोटो छपी है जिसमें छात्र और शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक देश इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी करीब 88% है, जबकि वहां महज 3% हिंदू रहते हैं। अब जान लीजिए इस मुस्लिम देश में नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापने की वजह क्या है। दरअसल कुछ साल पहले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। इसके बाद यहाँ पर 20,000 रुपये का एक नया नोट जारी किया गया जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर को छापा गया। इसको छापने के पीछे आर्थिक चिंतकों का मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो जाएगी, और बाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जाहिर है, भगवान भक्त की भावना को ही देखते हैं और भावना पवित्र हो तो कृपा बरसना भी तय है। डेस्क रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।